माताएं भैया उनका जाकर सत्कार करता हूँ। सर जो मेरे साथ बैठे हैं मेरी ताकत के रूप में हैं सरपंच जी, आपके जो जाने माने सरपंच हैं जिले के तहसील के नहीं तकबीर जी, और हमारे सबसे बड़े गांव के सरपंच हमारे भाई धर्मेंद्र जी, और मेरे साथ हैं सुरेंद्र जी लोहल से काजोला जी और आप महेंद्र जी छावड़ी, सबका सम्मान करते हुए सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूँ कि इस परिस्थिति में आप लोगों ने मेरी परिस्थिति को समझा और आपने मेरी मदद की है। इसके लिए आप सबके चरणों में बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद अर्पित करना चाहता हूँ। रही बात चुनाव की हार जीत की, देखो संघर्ष बहुत लंबा हो गया है, निश्चित रूप से राजनीति में इतना लंबा संघर्ष कई कईयों को ही लिखा होता है, कई लोगों की तो शुरू में भी एक बार लड़ते हैं उसी टाइम पार पड़ जाती है, सफलता मिल जाती है, लेकिन कई बार क्या होता है कि भगवान कुछ लिखता है और बंदा कुछ करता है, तो ये परिस्थितियाँ हैं। आप लोगों को मैं इतना कह सकता हूँ कि आपने कोई कमी नहीं छोड़ी, आपकी कोई गलती नहीं है, ना आपने मेहनत में कमी छोड़ी, ना आपने वोट देने में कमी छोड़ी, और ना आपने भगवान से दुआ करने में कमी छोड़ी। आपकी जो दुआ किया इस धाणी की पूरी तहसील की कोई गलती नहीं है, कोई कमी नहीं है, अगर कोई कमी रही है तो वो मेरी किस्मत की कमी रही, आपका कोई दोष नहीं। मैं आप लोगों से स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ ये हम किस्मत से चुनाव हारे हैं, अपनी मेहनत से और वोटों से चुनाव नहीं हारे हैं, वरना जो लोग इस लहर में जिसको अपने विशेषकर गुर्जर समाज से कहता हूँ मैं, एक भी भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार राजस्थान में नहीं जीता, राजस्थान के इतिहास में पहली बार ये हुआ कि भारतीय जनता पार्टी से एक भी गुर्जर विधायक जीत के नहीं गया, और सबसे कम राजस्थान में हारा हूँ तो आपका भाई धर्मपाल इंजीनियर हारा है, खेतड़ी तहसील का सबसे कम वोटों से हारे हैं अपन लोग, वरना इस बार 20-25-30 हज़ार से लोग हारे हैं। इसलिए आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ, ये किस्मत की हार हुई है, राजयोग की हार हुई है, आपकी मेहनत की और वोटों की हार नहीं हुई है। और एक बात और स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, अपन हारे भी हैं तो आपके वोटों से नहीं हारे, आपने खेतड़ी क्षेत्र में तो जो मशीन में वोट पड़े उनमें तो अपन जीते हैं, कर्मचारियों के वोट गिने गए वो राज के खिलाफ थे, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ थे, राज के खिलाफ थे, कर्मचारियों ने अपने को वोट नहीं दिया, उनकी मेरे से भी कोई दुश्मनी नहीं थी, मेरे से भी कोई बिगाड़ नहीं था, लेकिन वो राज के विरोध में थे इसलिए उन्होंने कांग्रेस को वोट दे दिया और वहाँ हार हो गई। इसलिए अपन क्षेत्र में नहीं आ रहे, फील्ड में नहीं आ रहे, कर्मचारियों की नाराजगी की वजह से अपन लोग 950 वोटों से पीछे रह गए, लेकिन संघर्ष आप लोगों का उत्साह देख के और आप लोगों का जोश और सहयोग देख के मैं इतना कह सकता हूँ कि अपन दुगुनी गति से 5 साल और संघर्ष करेंगे और निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। संघर्ष पूर्व में भी कहा था मैंने, थोड़ा लंबा हो गया, इतना संघर्ष करते करते आदमी टूट जाता है, और उसके लिए इस क्षेत्र में जो लोगों के दिलों में भावना जगी है, जगह जगह बुला के सम्मान किया जा रहा है और आर्थिक सहयोग किया जा रहा है, उससे शक्ति निश्चित रूप से हमारी बढ़ रही है, ऊर्जा बढ़ रही है, क्षमता बढ़ रही है और काम करने का मन बढ़ रहा है। इसलिए आप निश्चिंत रहें, जो भी काम हो मेरे लायक, लोग वैसे हर लोग हर नेता भाषण में कहता है कि आधी रात को आ जाना, मैं ये कहता हूँ कि आप चाहे आधी रात को आ जाना, मैं आपको निमंत्रण देता हूँ, आपके लिए तैयार खड़ा मिलूंगा, जैसा भी हूँ और जिस स्थिति में हूँ आपके लिए तैयार हूँ। आप मेरा 5 साल साथ और दे दो, मैंने चुनाव के टाइम कहा था कि 5 साल मुझे उधार दे दो, अब 5 साल मेरा साथ और दे दो, एक संघर्ष करेंगे, निश्चित रूप से विजय मिलेगी, और जो लोगों का जोश और उत्साह देखने को मिल रहा है, मैं समझता हूँ कि किसी भी हारे हुए उम्मीदवार को पूरे राजस्थान में इतना समर्थन नहीं मिल रहा है, ये मैं दावे के साथ आपके नाम करना। तो जीते हुए विधायक भी ये कह रहे हैं कि मेरा प्रोग्राम कराओ, गांव में कहते हैं कि मेरा, दो चार लोगों को कहते हैं कि मेरा प्रोग्राम कराओ, आप मेरा अभिनंदन का प्रोग्राम कराओ, और आप मेरी स्थिति ये है कि मुझे समय देना पड़ रहा है, हर जगह से लोगों का अनुग्रह आ रहा है और विनती आ रही है कि भाई आप लोग आओ, इस समय दो, तो पूरे क्षेत्र में निश्चित रूप से सबके दुख भी है और इस दुख की घड़ी में सब लोग साथ हैं, मैं भी आपके साथ हूँ, आप भी मेरे साथ हो, इसलिए हम संघर्ष करेंगे और दोबारा विजय श्री प्राप्त करेंगे। आप लोग विश्वास रखें, और मैं तो कई बार कहता हूँ कि कुर्सी तो नहीं मिली, लेकिन मैं स्पष्ट रूप से बहुत साल से कहते आया हूँ कि नेता वो नहीं होता जो कुर्सी पे राज करता है, असली नेता वो होता है जो लोगों के दिलों पे राज करता है। इसलिए आप हमें दिल में रखते हो, प्रेम करते हो, समर्थन देते हो, उसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद है। पुनः एक बार सबको निमंत्रण देता हूँ, मेरा लाइक कोई भी खेतड़ी का, झुंझुनू का, बिजली का, पानी का, तहसील का कोई भी काम हो आपका निश्चित रूप से कराएंगे। सदन की शक्ति तो अपने को नहीं मिली, लेकिन सड़क की शक्ति आपके साथ है और हमारे साथ है, आप लोग मेरे साथ रहो, जहाँ आप बुलाओगे मैं आऊँगा,
और मैं कभी याद करूं तो आप पधार जाना, फिर अपने काम होंगे, कोई नहीं रोक सकता। यहाँ के अफसरों की हिम्मत नहीं है जो अपने काम रोक लें, ये मैं आप लोगों को कह के जा रहा हूँ। रही बात भाई पानी के लिए, कह रहा था ये माताएं बहने भी बैठी, सरपंच साहब बता रहे हैं कि एक महीने में वो पानी वाली व्यवस्था भी हो जाएगी, टेंडर भी हो गए हैं, और नहीं होगी तो सरपंच साहब भी हैं, ये कहेंगे मैं भी मदद करूँगा, ऊपर से करवाएंगे, कहीं से भी करवाएंगे। और दूसरी बात जो आपने एक रस्ते की कही है, तो सरपंच जी के सामने कह के जा रहा हूँ, पूरी ढाणी के सामने कह के जा रहा हूँ आप लोगों को, मैं सांसद कोटे से परसों सांसद रोड़ासर में मेरे साथ कार्यक्रम में बुला रहा हूँ, मैं सांसद संतोष अहलावत को, अगर सरपंच जी आ जाएंगे तो राशि तो मैं फिक्स नहीं बता सकता, 5 दिलाऊंगा, 7 दिलाऊंगा, 2 दिलाऊंगा, लेकिन इस काम के लिए आपको मैं राशि निश्चित रूप से दिलवा दूंगा परसों मेरे और इन सरपंच जी आ जाए, 2-5 लोग और आ जाना, वहीं पे लिखवा देंगे सरपंच जी प्रस्ताव वहाँ से ले आएंगे, क्योंकि आपने माताओं बहनों का नाम ले लिया जिनके तो ये सबसे ज़्यादा वोट मेरे को ये देखती है, घूंघट निकाल निकाल के चार चार वोट जी। परसों रोड़ा सर का प्रोग्राम है और परसों नहीं आ पाओ तो 20 तारीख को फिर मैं बुला रहा हूँ, माउंट का दाता प्रोग्राम है, तो कभी भी आपको समय मिले आप आ जाना, उसके लिए मैं राशि सांसद से दिलवाऊंगा निश्चित रूप से दिलवाऊंगा। पुनः एक बार आपने इस परिस्थिति में मेरा सहयोग किया है और उत्साहवर्धन किया है और ये राशि भेजती है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, सबको राम राम, बहुत बहुत धन्यवाद।